हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्लास सिक्स ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। पिछले वीडियो में हमने ग्लोब के बारे में, टाइप्स ऑफ ग्लोब पढ़ा था और एक्सेस के बारे में पढ़ा था और विषुवत वृत्त इक्वेटर के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे के फैक्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे हम विषुवत वृत्त या फिर इक्वेटर, विषुवत रेखा बोलते हैं, जो 0 डिग्री पे मेजर की जाती है। अब जो इक्वेटर होता है, ये पृथ्वी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो एक पार्ट हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, उत्तर दिशा में होता है, उसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। जो ये हमारा ऊपर उत्तर दिशा वाला जो भी पार्ट होगा, इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला और हेमिस्फीयर। तो जो उत्तर दिशा में हमारा जो गोलार्ध होता है, उसको हम उत्तरी गोलार्ध या फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसी तरीके से जो हमारा दक्षिण दिशा में होता है, साउथ डायरेक्शन में होगा, उस पार्ट को हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध या फिर साउथ हेमिस्फीयर। ये जो पार्ट हमारा साउथ में है, ये जो आधा डिवाइड कर रहा है पृथ्वी को, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों जो पार्ट होते हैं, ये इक्वल होते हैं, क्योंकि जो 0 डिग्री इक्वेटर है हमारा, ये पृथ्वी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी डिवाइड होता है, ऐसे पृथ्वी को बटी नहीं होती, सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन के हेल्प से हम पृथ्वी को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ पार्ट एंड साउथ पार्ट। इस प्रकार विषुवत वृत्त जो है, वो पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। जो सर्कल है, ये इक्वेटर, वो है एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस। ये जो इक्वेटर है, वो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश, समांतर रेखाएं कहा जाता है और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो भी हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के बाद ये जो पैरेलल लाइन्स है हमारी, इनको हम अक्षांश, समांतर रेखाएं कहते हैं। ये जो इक्वेटर से सारी जो लाइन्स हैं, इनका जो डिस्टेंस होता है, वो पैरेलल होते हैं। जैसे ये, और हमें इन अक्षांशों को डिग्रीज में दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, इस तरीके से दिखाया गया है। जो ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, मीन्स यहाँ पोल्स तक, आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो जो भी हमारे पैरेलल सर्कल्स हैं, पैरेलल सर्कल लाइंस हैं हमारे इक्वेटर से, इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। अक्षांश, समांतर रेखा इनको कहा जाता है और इन लैटिट्यूड्स को, इन अक्षांशों को हम डिग्रीज में, अंशों में मापते हैं, इनको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। और जो हमारा विषुवत वृत्त है, उसको हम 0 डिग्री से नापते हैं। जो लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज एंड द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ के ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अब अगर हम बात करें इक्वेटर से पोल्स की तरफ अगर हम जाते हैं, तो वो पृथ्वी के पूरे चारों तरफ का जो एक सर्कल बनता है, वृत्त बनता है, उसका 1/4 है। इसका मतलब इसका जो मेजरमेंट होगी, वो क्या होगी, 360 अंश का 1/4, क्योंकि जो पृथ्वी का पूरा वृत्त एक बनता है, उसका उसकी मेजरमेंट होती है 360 डिग्री। हम जैसे कि हमें पता है कि एक वृत्त का माप कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, तो उसका 1/4 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। 360 का 1/4 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो जो भी हमारे इक्वेटर से नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड्स होते हैं, उनका जो इनका माप होता है 90 डिग्री। इसे हम एक डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे। इसी प्रकार 90 अंश 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है,
तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाते हैं, और 90 डिग्री साउथ जो लेटिट्यूड होगा वो दक्षिण ध्रुव साउथ पोल को शो करेगा। तो चलिए इसे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा इक्वेटर है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करेंगे, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल, जो हमारा पृथ्वी का पूरा वृत्त है उसका मेजरमेंट 360 डिग्री है। हम जैसे जैसे पृथ्वी इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करेंगे, ये तो जो इक्वेटर से पोल पर जो भी एंगल बनेगा, ये पोल से जो हमारा एंगल बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरीके से अगर हम साउथ में इक्वेटर से साउथ की तरफ मूव करते हैं, तो जो हमारा एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री, ये जो है 90 डिग्री बनेगा। इसी तरीके से अगर हम इक्वेटर से यहाँ से जाएंगे तो ये भी हमारा 90 डिग्री, और इक्वेटर से यहाँ से जाएंगे तो ये भी हमारा 90 डिग्री। तो जो भी हमारा इक्वेटर से पोल्स पे जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये पृथ्वी को 4 बराबर हिस्सों में बांट रही है, और हर पार्ट जो है वो 360 का 1/4 है। तो जो भी हमारा इक्वेटर से उत्तरी अक्षांश पर जो भी अंश है हमारा 90 डिग्री का, इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। और जो इक्वेटर से दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी अक्षांश जो 90 डिग्री का है, वो हमारा दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल को दर्शाता है। सेम इसी तरह से जो भी हमारी समांतर रेखाएं, जो भी लैटिट्यूड्स हैं, जो नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो हमारी लाइंस होती है, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा इक्वेटर, तो जो भी हमारे इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पे जो भी हमारे लैटिट्यूड्स होंगे, इनको सबको उत्तर दिशा में होने की, उत्तरी हम गोलार्ध में होने की वजह से हम इनको कहेंगे उत्तरी अक्षांश। ये सारे हमारे उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। और इसी तरीके से विषुवत वृत्त से दक्षिण में, साउथ में जो भी समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, इनको हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स ऑफ द साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। इसलिए हम प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखते हैं। जो भी हमारे लैटिट्यूड्स होंगे, नॉर्थ वाले लैटिट्यूड्स को हम नॉर्थ के साथ मेंशन करते हैं, और साउथ वालों को हम साउथ डिग्री के साथ मेंशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में अगर हम देखें तो इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर है, और इक्वेटर से नॉर्थ वाले जो भी हैं हमारे, उनके साथ में 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, ऐसे लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है यहाँ पे दिशा को। और इस तरीके से दक्षिणी ध्रुव में जो है, दक्षिणी गोलार्ध में, उसमें दक्षिण लिखा है, 20 डिग्री दक्षिण लिखा हुआ है। तो हमारे जो भी हमारे लेटिट्यूड्स होते हैं, हम उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनको मेंशन करते हैं। तो जो हमारा नॉर्थ में होगा, हम उसके साथ डिग्रीज में नॉर्थ मेंशन करेंगे, और साउथ वाले के साथ हम साउथ मेंशन करेंगे। इस तरह से मेंशन करने के साथ ही हम किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को बता सकते हैं। अब ये मेंशन करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इक्वेटर के जो भी डिग्रीज होती हैं, जैसे ये हमारा इक्वेटर है तो ये 0 डिग्री है। इसके बाद जब हम नॉर्थ में चलते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यहाँ पे भी इंक्रीज़ होता है। इसी तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री साउथ में भी इंक्रीज़ होता है। अगर हम डायरेक्ट बोल दें कि 20 डिग्री पर ये वाला प्लेस है, ये जगह जो है 20 डिग्री पर स्थित है, तो हम उसको एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे कि वो 20 डिग्री नॉर्थ में है या 20 डिग्री साउथ में है। इसीलिए इन लैटिट्यूड्स को नाम दिया जाता है उनकी दिशा के अनुसार। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में
बेलो हॉरिजोंटे दोनों ही एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है। आप देखो जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है वो और ब्राज़ील में जो बेलो हॉरिजोंटे है दोनों का ही जो मेज़रमेंट क्या है 20 डिग्री लेटीट्यूड, लेकिन जो चंद्रपुर है वो विषुवत वृत्त इक्वेटर के 20 डिग्री उत्तर में, जैसे ये हमारा इक्वेटर तो चंद्रपुर जो है वो उत्तर में इक्वेटर के यहाँ 20 डिग्री पे मिलेगा, और जो हमारा बेलो हॉरिजॉन्ट है वो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में, तो 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है तथा बेलो हॉरिजॉन्ट 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है, यानी कि 20 डिग्री साउथ अक्षांश लैटिट्यूड पर स्थित है। और जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते जाते हैं, यानी कि हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते जाते हैं, तो हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं हमारे अक्षांश हैं उनका आकार घटता जाता है, ये हम इस डायग्राम की हेल्प से जान सकेंगे। देखिए जैसे जैसे हम, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमारा जो है इनका आकार, ये देखो यहाँ पे इक्वेटर जो होता है सबसे बड़ा सर्कल होता है, उसके बाद ये 20 डिग्री पे छोटा होता जा रहा है, 40 डिग्री पे और छोटा हो गया, 60 डिग्री पे और यहाँ पे देखिए ये 80 डिग्री पे और छोटा। तो जैसे जैसे हम एक पोल्स की तरफ जाते हैं इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाएँ या फिर नॉर्थ पोल की तरफ, हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं उनका साइज़ कम होता जाता है, डिस्टेंस सेम रहता है इनके बीच में क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच की दूरी नहीं बदलेगी, लेकिन इनकी जो साइज़ है वो बदल जाता है, आकार जो है वो घटता चला जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।